गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, बाबा जी की इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो हैं वह जो है इन दिनों, आज बाबा जी ने सहारनपुर में संगत को दर्शन दिए और ओपन कार में जो है संगत को दर्शन दिए। सात संगत जी, पहले जो है इस दर्शन के बारे में अच्छी तरह कंफर्म नहीं था कि बाबा जी आज दर्शन देंगे कि नहीं, लेकिन आज बाबा जी ने संगत को दर्शन देकर उन्हें निहाल किया। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी पहले मंसूरी में थे और मंसूरी में वापस आ गए और बाबा जी ने आज सफ़ेद, हल्के सफ़ेद रंग की जैकेट भी पहनी थी। बाबा जी की तो वैसे तबीयत ठीक थी, लेकिन बाबा जी बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। जब बाबा जी दर्शन देने पहुँचे तो सारी संगत बाबा जी को देखकर फूट फूट कर रोने लग पड़ी। सात संगत जी, जब भी बाबा जी को उनकी संगत जो है वह देखती है तो फूट फूट कर ज़रूर रोती है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत से बेहद प्रेम करते हैं और चाहे उनकी सेहत भी ख़राब हो, लेकिन पता हो कि यहाँ पर प्रोग्राम है तब अब बाबा जी जो है उस अपनी संगत को दर्शन देने ज़रूर जाते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज बाबा जी ने सहारनपुर में दर्शन का प्रोग्राम दिया। उसके दर्शन के बाद बाबा जी तुरंत अपनी कोठी में चले गए, क्योंकि वहाँ बाबा जी से मिलने कुछ वीआईपी आए थे। बाबा जी ने उनसे, उन वीआईपियों से मिलकर जो है उसी वक्त जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्योंकि बाबा जी का अगला जो प्रोग्राम है वह दिल्ली का है। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी संगत से बेहद प्रेम करते हैं और संगत भी बाबा जी से बेहद प्रेम करती है। इसी प्रेम के चलते हुए बाबा जी अपनी संगत के हमेशा ही साथ रहते हैं। और बाबा जी की आज की एक साखी जो है इसी से रिलेटेड है और आज की ही वह साखी है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि ये साखी एक महिला की है जो बाबा जी से मिलने आ रही थी, और जब उसे पता चला कि बाबा जी का दर्शनों का प्रोग्राम है तो वह अपने घर से रवाना हो गई। सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हमेशा ही भजन सिमरन को तवज्जो दो। तो सात संगत जी, आज जो है दर्शनों में जो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देने लगी, इसमें बच्चे बुजुर्ग सब तरह के जो है सत्संगी आए हैं। सात संगत जी, परमात्मा उस मालिक का जो रूहानी नूरी प्यार ही है तो हमें आज अपने गले से रखा है। सतगुरु की अपार दया है जो आज हम किसी न किसी बहाने अपने रब प्यारे की याद में दो घड़ी आंसू बहा लेते हैं। सतगुरु ज्ञान रूपी अनमोल हीरे को प्राप्त करके हमने अपने किए हुए कर्मों का बोझ से बच रहे हैं। जब अपने हित में हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम गुरु के गहरे ज्ञान, उनकी आज्ञा अनुसार सच्चे नाम का अभ्यास संसार भ्रमों से दूर करें, अपने अंदर गंभीरता से विचार करना हमें तो पूर्ण सतगुरु की शरण में हासिल है। अब हमारी कौन सी अभिलाषा है जो अभी भी पूरी करनी है? यदि नाम ना लिया होता तो तब तो हम गलती करना सही हो सके, लेकिन नाम मिल गया है, सत्संग मिल गया है, फिर रूहानी मार्ग पे क्यों ना चले? तो माफ़ी मिलना मुश्किल है, इसीलिए ना जाने रोज़ कितनी खताएं और गलतियां होती हैं। और बाबा जी नादान बच्चे हैं, हम आपके विनती करते हैं आपकी शरण लगाएं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, जब उस बीबी को पता लगा कि आज बाबा जी का प्रोग्राम है,
तो वह अपनी घर में उसके कोई नहीं था क्योंकि बच्चे सारे काम पर गए थे। तो वह पास में उसका भतीजा जो कॉलेज से वापस आया था, वह अपने भतीजे को कहती है कि मुझे बाबा जी के दर्शनों के लिए ले आया। तो वह कहता है, बुआ अब तो हम लेट हो गए, क्या पता बाबा जी जो है दर्शनों से उठ गए। लेकिन वो कहती है कि मेरा मन नहीं मान रहा, मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ। तो वो कहता है, चलो मैं आपको ले जाता हूँ, अगर मालिक की मौज हुई तो आपको मिल जाएंगे, नहीं हुई तो ठीक है। तो वो कहती है, तू पहले ही ऐसा कह रहा है, मेरे मन में बाबा जी को मिलने की बड़ी अभिलाषा है। इतनी अभिलाषा लेकर वह अपने घर से रवाना हो गई। रवाना हुई तो सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी है, हमें कुछ ना कुछ तो सहना ही पड़ेगा, और शब्द हमें मुफ्त पर मिलते हैं, लेकिन हम चयन निर्भर करता है कि कीमत, हर कीमत की मूल्य गेगी या चुकानी पड़ेगी। हमें शब्द की कमाई मिली है तो हमें शब्द को दोहराना होगा, और हमें सतगुरु हमें हमेशा ही अमृत वेले जगाने आते हैं, लेकिन हम जागते नहीं। क्यों? ये गलती हमारी है, और हमें तो उठकर उस मालिक का अभिनंदन करना होगा। और सत्संग जी, वह महिला अपने घर से चली जाती है। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। वो कहती है, आज सहारनपुर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वो कहते हैं कि आज बाबा जी का प्रोग्राम है तो बुआ रश तो होगा। तो वह कहती है, ये बात तो ठीक है। वो कहता है, बुआ आपको दर्शनों का टाइम पता है? तो वह कहती है, नहीं बेटा मुझे नहीं पता। तो वह घर से वो निकल जाते हैं, और वह कहती है कि अभी सत्संग घर आने में कितना टाइम है? वो कहता है, बुआ 10 मिनट लगेंगे, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और वह उतना कहते ही सत्संग के लिए वो कहता है कि आज क्या प्रोग्राम है? वो कहती है कि आज सहारनपुर में बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं। तो वह कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है बुआ, बुआ आप सुबह निकल जाती? तो वह कहती है कि मैंने बच्चों से कहा था, लेकिन उन्हों को अपने अपने काम पर जाना था। वो कहते हैं कि बाबा जी का प्रोग्राम संडे को होगा, लेकिन वो नहीं माने। वो कहता है, माता आपको गलत फहमी होगी, मेरे हमारे बच्चे नहीं माने। तो वह कहता है, किसी बात की बुआ चिंता मत लगा, अभी हम चले जाते हैं। तो वह सब चले जाते हैं, और जब सत्संग घर के पास पहुंचते हैं तो सेवादारों से वो बीपी पूछती है, क्या बाबा जी के दर्शनों का प्रोग्राम हो गया? वो कहता है, दर्शनों के प्रोग्राम को तो 15 मिनट हो गए, और बाबा जी अभी अपने चोपर से 2 मिनट ही हुए हैं निकले हैं। अगर आप 1 मिनट पहले आ जाती तो आप कम से कम चोपर में से बाबा जी के दर्शन तो कर पाती। ये बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लग पड़ती है, और कहती है कि आज मेरे कर्मों में बाबा जी के दर्शन नहीं थे, और वह बहुत रोती है। तभी एक सेवादार आता है, इस बीबी को रोते देख कहता है, बीबी जी आप क्यों रो रही है? वो कहती है, मैं बाबा जी के दर्शन करने आई थी, लेकिन बाबा जी के दर्शनों का मौका नहीं मिला। वो कहते हैं, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, अगर आप भजन सिमरन करती है तो बाबा जी को हमेशा ही अपने साथ पाती हैं। तो वह कहता है, क्या ये सच है? तो वो कहता है, हाँ ये सच है, और जितना आप रोई हैं आपको बाबा जी की याद में, ये आपके अनमोल मोती जो हैं ये उस सतगुरु के लेखे लगेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम दर्शनों पर बैठे हैं, और जहाँ पर जो दर्शनों पर बीबियाँ बैठी हैं उन्होंने बाबा जी की याद पर क्या पता आंसू बहाए हैं, नहीं, आपकी ये लगन और तड़प को ये सिद्ध होगी, एक ना एक दिन आपको बाबा जी ज़रूर दर्शन होंगे, चिंता मत कीजिए।
अब घर जाइए, घर जाकर भजन सिमरन कीजिए। वह बीबी कहती है, मुझे बड़ी आस थी कि बाबा जी मिलें। वो कहता है, बस 2 मिनट का फ़र्क पड़ा है और चिंता मत कीजिए, बाबा जी दोबारा सहारनपुर आएंगे तो आप सहारनपुर में दोबारा दर्शन करना। वो कहती है, नहीं अब मैं सहारनपुर में नहीं डेरे में जाऊंगी। तो सेवादार कहता है, फिर तो रोने की बात नहीं, आप तो अपने बापू के घर जाइएगा। और वह खुश हो जाती है। वो कहता है, इसमें चिंता करने की क्या बात है, मालिक हमें जो है सबको मौका देता है। और क्या पता, वो कहता है कि बाबा जी ने आपको डेरे ही बुलाना चाहते हों, इसीलिए बाबा जी आपके को यहाँ पर दर्शन ना मिले हों, तो क्या पता डेरे में आपको बढ़िया दर्शन हो जाएं। उस सेवादार की बात सुनकर वह बड़ी खुश होती है और कहती है, हाँ ये तो बात है, जब मालिक की मर्जी होती है तब ही हमें दर्शनों का लाभ होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो वह कहते हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो गुरु प्यारी सास संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी। वह बाबा जी से हर कोई प्यार करता है और बाबा जी हर किसी के साथ जो है बड़ी विनम्रता से रहते हैं। और सतगुरु और उनके सत्संगी का रिश्ता जो होता है वो प्यार का होता है, प्यार किसी लफ्ज़ का मोहताज नहीं होता। और जब हम किसी से प्यार कहते हैं, किसी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं होती। तुलसी साहब ने फरमाया है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो जा खींच, भोम पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा भीज। हमें सतगुरु के प्यार में जो तड़प है उसे और बढ़ाना होगा। जब हम तड़प को बढ़ाएंगे तभी तो हम उस मालिक को मिल पाएंगे। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, हमें तो बाबा जी की रजा में रहना है और बाबा जी हमें जो सत्संग के बारे में बताते हैं उस सत्संग को हमने जो है अपने मन में बसाना है और हर रोज़ 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है। अगर कम करते हैं तो धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ा दीजिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि बाबा जी के दर्शनों का लाभ सबको मिलता रहे, क्योंकि बाबा जी के दर्शन बड़े ही अनमोल हैं। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, बाबा जी की कही हुई बातों का मान और सम्मान ज़रूर रखें, भजन सिमरन में एकाग्रता लाएं। जब हम भजन सिमरन में एकाग्रता लाएंगे तभी तो हम उस मालिक की रजा में रह सकते हैं। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे वह सात समंदर पार क्यों ना हो, लेकिन भजन सिमरन की ताकत उन्हें हमेशा हमारे पास रखती है। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह सास संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।